वेलकम बैक टू माई चैनल, दिस इज शुभ्रा वेलकमिंग यू ऑल। ओके एवरीवन, स्टार्ट करने से पहले ये जो बात बोलना बहुत ज़रूरी है वो ये कि जिन्होंने चैनल अभी थे और जिन्हें आज का सेशन या वीडियो पसंद आता है वो लाइक करना ना भूलें। जैसा कि मैंने आप सबसे प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी आप सबके लिए बेनिफिशियल लेकर आऊँगी, तो हाँ बेनिफिशियल लेकर आई हूँ। अगर मैं अपने सब्सक्राइबर की बात करूँ तो मैक्सिमम सब्सक्राइबर जो है वो सीटेट एस्पिरेंट है, मतलब कि जो कि सीटेट का पेपर देने वाले हैं। तो उस पेपर में हम लोगों को इन्वायरमेंटल साइंस को भी पढ़ना है। इन्वायरमेंटल साइंस बहुत बेनिफिशियल सब्जेक्ट है सबके लिए, ठीक है। तो आज का जो सेशन है वहाँ पे 10 क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे एंड आई एम वेरी श्योर कि उस 10 क्वेश्चन से हम लोग 2 से 3 मार्क्स तो डेफिनेटली स्कोर कर लेंगे। क्यों? रीज़न भी है इसका, क्योंकि जो भी क्वेश्चन डिस्कस किया जा रहा है मैंने वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को रीड करने के बाद जो रिपीटेडली बेसिस पे रिपीट होते आ रहे क्वेश्चन है उन्हें साइडलाइन किया है और वही क्वेश्चंस को आज हम सब डिस्कस करेंगे। तो यस, बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेट्स स्टार्ट। ओके, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेट लिफ्टर ऑफ इंटरनेशनल फेम। ऑप्शन आर सुनीता विलियम, बचेंद्री पाल, सूर्यमणि, कर्णम मलेश्वरी। अगर क्वेश्चन को हम समझते हैं हिंदी में तो जानते हैं कि इंटरनेशनल फेम की वेट लिफ्टर इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन है। ऑप्शंस है सुनीता विलियम्स, बचेंद्री पाल, सूर्यमणि और कर्णम मलेश्वरी। अगर हम सुनीता विलियम्स के बारे में याद करें तो हमें मालूम है कि सुनीता विलियम्स जो हैं वो अमेरिकन स्पेस एजेंसी जो कि नासा है उसके थ्रू वो अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला थी। वहीं पे बचेंद्री पाल के बारे में हम लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है कि 1984 में ये फर्स्ट इंडियन वुमन है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को समिट किया था। सूर्यमणि कुछ जानते होंगे या कुछ के लिए ये नया नाम होगा, तो मैं बता दूं कि ये झारखंड से बिलोंग करती हैं और ये पर्यावरण कार्यकर्ता हैं या फिर कह सकते हैं ट्राइबल इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट हैं जिन्होंने अपने समय अवधि में या फिर अभी तक जो ये काम कर रही है उसमें उन्होंने कई सारे फॉरेस्ट मूवमेंट को ऑर्गेनाइज किया, फॉरेस्ट कंजर्वेशन किए और कई सारे ऐसी कमिटी बनाई हैं जहाँ पर लोग एकत्रित होकर फॉरेस्ट के कंजर्वेशन के लिए काम कर रहे हैं। और लास्ट ऑप्शन हमारा बच गया है कर्णम मलेश्वरी। कर्णम मलेश्वरी के बारे में अगर हम जानें तो पाएंगे कि ये वेट लिफ्टिंग में इंडिया को ओलंपिक में मेडल दिलवाने वाली पहली वुमन है, इंडियन वुमन। यस, और साथ ही साथ इन्हें पद्मश्री, अर्जुन अवार्ड और राजीव गांधी जैसे खेल रत्न से सम्मानित किया गया है। तो हमारे फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर होगा कर्णम मलेश्वरी। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो हम पाएंगे कि डेजर्ट ओक इज अ ट्री विच इज़ फाउंड इन। डेजर्ट ओक एक ट्री है जो कि कहाँ पाया जाता है। ऑप्शंस को अगर हम चेक करते हैं तो हमारा ऑप्शंस है अबू धाबी, ऑस्ट्रेलिया, राजस्थान और डेजर्ट ऑफ UAE। हाँ, एक चीज़ और, आंसर बताने से पहले मैं आपको ये बता दूँ कि कमेंट सेक्शन में आपको UAE का फुल फॉर्म बताना है। ओके, अगर आंसर की बात करूँ तो डेजर्ट ओक इज़ अ ट्री विच इज़ फाउंड इन वेयर, तो आंसर है हमारा ऑस्ट्रेलिया। ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। साथ ही साथ अगर हम ओक ट्री के बारे में बात करें तो हम पाएंगे कि इसकी जो हाइट होती है वो 12 से 15 फीट तक होती है और इसके ट्रंक की कैपेसिटी होती है वाटर को स्टोर करने की, जो कि ऑस्ट्रेलियन सिविलियंस जो हैं, जो नागरिक हैं ऑस्ट्रेलिया के, उनके द्वारा इस पानी को यूज़ कर लिया जाता है। ओके, अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं तो क्वेश्चन हमें आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग बर्ड स्पीसीज विच मूव इट्स नेक बैक एंड फोर्थ विथ अ जर्क। एक ऐसे पक्षी का नाम बताइए दिए गए ऑप्शंस में से जो कि अपने गर्दन को झटके के साथ पीछे की ओर घुमा सकती है। ऑप्शन से आउल, क्रो, बारबेट, मैना। तो आंसर हमारा है मैना, ठीक है। मैना एक ऐसा पक्षी है जो कि वो अपने गर्दन को झटके के साथ पीछे घुमा सकता है। आउल और क्रो ऑप्शंस हमारे नहीं हैं और आउल और क्रो के बारे में हम लगभग सभी जानते हैं। बारबेट एक नई पक्षी की है जो हो सकता है इसमें से आप लोग बहुत लोग इस नाम से फेमिलियर नहीं होंगे, जिसे हिंदी में हरा बसंता के नाम से भी जाना जाता है, जो कि घने जंगल और जनरली जो अमूमन हमारे घर के आसपास गार्डन्स होते हैं वहाँ पर ये मिल जाती हैं, ठीक है। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉइल्ड टैपियोका
with any curry made using coconut is preferred food to the people of. बोला जा रहा है कि ये boiled tapioca एक तरह का खाद्य पदार्थ है जो कि कोकोनट करी के साथ यूज किया जाता है. कहाँ के लोगों के द्वारा? ऑप्शन आ तमिलनाडु, केरला, वेस्ट बंगाल या फिर बिहार. तो आपको बता दूं कि ये जो बॉइल्ड टपियोका है वो केरल के लोगों के द्वारा बहुत ही भारी मात्रा में कह सकते हैं कि यूज़ किया जाता है. वो इसे ब्रेकफास्ट में और अपने खाने में, मतलब जो लंच टाइम है वहाँ पर इसे बहुत अच्छे तरीके से, मतलब ये हेल्दी न्यूट्रिशियस फूड उनके लिए माना जाता है, तो वो इसे कंज्यूम करते हैं. तो हम कह सकते हैं बॉइल्ड टपियोका जो है वो केरलियन पीपल्स के थ्रू यूज़ किया जाता है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज द माउंटेन ऑफ सैंड कॉल्ड सैंड ड्यून्स आर फाउंड. बोल रहा है कि यहाँ जो दिए गए ऑप्शंस हैं उसमें से, दिए गए ऑप्शन में से सैंड ड्यून्स कहाँ पर पाया जाता है. ऑप्शंस आर थिम्फू, काबुल, अबू धाबी और बर्लिन. आंसर क्या होगा पता है किसी को? यस, द आंसर इज अबू धाबी. अबू धाबी जो है वो सही आंसर है. एक चीज़ और, सैंड ड्यून ये वर्ड हम लोग 6-7 में पढ़ चुके होंगे. सैंड ड्यून को हम रेत का टीला या बालू का स्तूप के नाम से भी पढ़े हुए हैं, जहाँ पर जब भी हवा चलती है, जब तेज हवा चलती है तो उसमें बालू का जो रेत होता है वो भी उड़कर एक जगह इकट्ठा हो जाता है. हवा रुकने के बाद वो सारा जो बालू होता है एक जगह जम जाता है, जहाँ पर वो एक टीले का फॉर्म शेप देता है या फिर स्तूप का जो होता है वो बना देता है, जिसकी वजह से इसका नाम रेत का टीला या फिर बालू का स्तूप भी पड़ा. अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो हम देखेंगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्टेन फ्रॉम पेट्रोलियम. इसमें से कौन सा ऐसा पदार्थ है जो कि पेट्रोलियम से नहीं पाया जाता है. ध्यान रखने वाला जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये, हर जगह आप सुनते होंगे कि इस पे जरूर फोकस करना, नॉट पे, ठीक है. पेट्रोलियम से पाया जाने वाला पदार्थ इनमें से कौन सा नहीं है. ओके, नहीं है तो हमारा ऑप्शन है कोल, डीजल, वैक्स और ग्रीस. आपको पता ही होगा कि आंसर क्या होने वाला है, कोल. एक चीज़ और कि जो पेट्रोलियम है बिल्कुल इसका निर्माण का प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल कोयले की तरह ही है. जैसा हम लोग जानते हैं कि जो कोयला का निर्माण हुआ था वो पृथ्वी के नीचे वनस्पतियों के दब जाने की वजह से हुआ था, जब उस पर हाई प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया था. कई हजारों साल बाद ये वनस्पति कोयले के फॉर्म में डेवलप होकर हमारे सामने आए थे. ठीक कुछ वैसा ही प्रक्रिया पेट्रोलियम के निर्माण का भी रहा है. ओके, हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वुमन आर वीकर देन मैन. बोला जा रहा है कि महिलाएं जो हैं वो पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं. ये जो स्टेटमेंट है इट इज़ अ, वो क्या है? सुपरस्टिशन है, मिथ है, साइंटिफिक फैक्ट है या स्टीरियोटाइप है? तो मुझे मालूम है कि आप लोग को आंसर पता होगा. ये एक अंधविश्वास तो बिल्कुल नहीं है, मिथ्या भी नहीं है और साइंटिफिक फैक्ट तो बिल्कुल भी नहीं है. बिल्कुल ये स्टीरियोटाइप है, यानी एक रूढ़िवादिता, जहाँ पे पुराने ज़माने के लोग ऐसे विचारधाराएं रखते थे कि महिलाएं जो हैं वो घर का कार्य करेंगी. क्यों? क्योंकि वो पुरुषों की अपेक्षा कमज़ोर होती हैं, वो बाहर का काम नहीं कर सकती, वो सिर्फ घर में रहकर पानी भरेंगी, घर का काम करेंगी, बच्चों की देखभाल करेंगी, बस उनका यही काम है. तो ये बिल्कुल एक रूढ़िवादिता है. तो हमारा आंसर क्या है? स्टीरियोटाइप. ओके, अगर हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि 2 से 3 बार मैंने देखा कि रिपीटेड मोड पर ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है. न्यूक्लियर फैमिली यानी एकल परिवार, इसमें से जो दिए गए ऑप्शन है उसमें से किस ऑप्शन को ये सही सार्थकता कर रहा है. ऑप्शन है एनी फैमिली बॉर्न आफ्टर 1950. इसमें से कोई भी परिवार जो 1950 ईस्वी के बाद जिनका जन्म हुआ है या जो फैमिली है उनको न्यूक्लियर फैमिली के कैटेगरी में रख देते हैं. ना, बिल्कुल नहीं. सेकंड है फैमिली इंक्लूड्स पेरेंट्स एंड देयर चिल्ड्रेन. बोल रहे हैं कि ऐसी फैमिली जिसमें सिर्फ पेरेंट्स और फिर बच्चे रहते हैं
उसे क्या न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं। थर्ड ऑप्शन है पूरी फैमिली, जहाँ पर बच्चे हैं, पेरेंट्स हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, तो क्या उसको हम न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन, जहाँ पे सिर्फ हस्बैंड वाइफ साथ में रह रहे हैं, तो क्या वो न्यूक्लियर फैमिली है। तो आई नो कि ऑप्शन देखकर आप सबको पता चल ही गया होगा कि सेकंड नंबर जो ऑप्शन है, ऐसी फैमिली जहाँ पे पेरेंट्स के साथ साथ उनके बच्चे रहते हैं, लेकिन उस फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स अलाउड नहीं होते, तो उस फैमिली को हम न्यूक्लियर फैमिली कह सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया इज टांडी सीसो लोकेटेड वेयर महात्मा गांधी डिड हिज सम फेमस मार्च बिफोर इंडिपेंडेंस। बोल रहा है, उस क्वेश्चन का आंसर जाने से पहले सीसोर का मतलब समझते हैं, जैसे हम समुद्र तट बोलते हैं, ठीक है, तो ये सीसोर है। तो बोल रहा है इंडिपेंडेंस से पहले हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी जो है वो डांडी मार्च किए थे। वो डांडी मार्च किस स्टार्ट जो इंडिपेंडेंस से पहले हुआ था वो कहाँ से हुआ था। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात। तो आई नो कि आप सबको आंसर पता होगा, आंसर इज गुजरात। ओके, आगे मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस सेशन का। इन ब्रेल स्क्रिप्ट रोज ऑफ रेस्ड डॉट्स आर मेड ऑन अ थिक पेपर दिस स्क्रिप्ट इज बेस्ड ऑन। बोल रहा है कि ब्रेल, जानते हैं हम सब की एक लिपि है जो कि नेत्रहीन बच्चों के पढ़ने और लिखने के लिए यूज़ की जाती है, ठीक है। इसका आविष्कार अगर हम देखें तो 1884 में हुआ था, लुई ब्रेल के द्वारा किया गया था, वो भी एक नेत्रहीन ही थे। तो उस जो ब्रेल लिपि है वहाँ पर जो भी डॉट्स बनाए जाते हैं और जहाँ पे अक्षरों को उकेरा जाता है, वो डॉट्स कितने होते हैं? 4 पॉइंट्स में होते हैं, 6 पॉइंट्स में होते हैं, 8 पॉइंट्स में होते हैं, या फिर वो डॉट्स 10 पॉइंट्स में होते हैं। तो आंसर जो है वो है 6 पॉइंट। ओके, 6 पॉइंट हमारा आंसर होगा। एंड यस, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम स्किप नहीं कर सकते, इसलिए बोला जा रहा है कि ये ब्रेल लिपि से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हमारे आए उसको लर्न करना ज़रूरी है। यस, तो इसका आंसर होगा 6 पॉइंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका होमवर्क मैं दे रही हूँ, और होमवर्क अब कैसे करना है वो भी बता दूँ। कमेंट सेक्शन में आपको 11 नंबर क्वेश्चन का आंसर बताना है, हु इज़ द फाउंडर ऑफ सिख रिलीजन। सिख रिलीजन के जो फाउंडर थे वो कौन थे, दिए गए ऑप्शन में से आपको बताना है, गुरु तेग बहादुर, गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, या फिर गुरु नानक। प्लीज़ कमेंट सेक्शन। Thank you everyone, please don't forget to like and subscribe my channel. Thank you very much.